गुलाब हमारे यहाँ एक अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि लोग प्यार के इजहार करने के लिए भी गुलाब को ही चुनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी गुलाब हमारे लिए बेहद उपयोगी है। दोस्तों, गुलाब जल गर्मियों के मौसम में त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। ये आंखों की जलन को भी कम करता है। गुलाब जल हमारे लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन गुलाब जल से भी अधिक गुलाब की पत्तियां लाभकारी होती हैं। गुलाब की पत्तियों से अनेक औषधियां भी तैयार की जाती हैं। इसके अलावा गुलाब की पत्तियों से गुलकंद तैयार किया जाता है। गुलकंद के सेवन से आपके शरीर की कई बीमारियों को तो दूर करने में सहायता होती है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियों में पाए जाने वाले गुण हमारे दिल के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। ये औषधि की तरह काम करती है। गुलाब के फूल हमें आसानी से मिल जाते हैं। आपको बता दें कि लाल गुलाब की पत्तियों में औषधि गुण होते हैं। लाल गुलाब की पत्तियों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। इसे आप ऐसे भी सेवन कर सकते हैं या गुलकंद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुलकंद का सेवन केवल गर्मियों में ही किया जाना अच्छा माना जाता है। गुलाब की पत्तियों को पीस कर त्वचा पर लगाने से स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये चिकन पॉक्स यानी कि चेचक जैसी बीमारियों में राहत का काम करती है। गुलाब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मददगार है। वहीं गुलाब की पत्तियां त्वचा के लिए खास काम करती हैं। और गुलाब के फूल का सेवन करने से आपकी होंठ खिले खिले रहेंगे, होंठ फटने की बीमारी दूर हो जाती है। तो देखा आपने कि गुलाब कैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और कितना उपयोगी बन जाता है। क्यूरियन हेल्थएक्स की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।